बेलगाम घोड़े को खुला छोड़ना खतरनाक होता है। अनस, मैं रियान का जिक्र भी नहीं सुनना चाहती, इसलिए बेहतर होगा तुम उसकी कोई बात न करो। देखो मुस्कान, में मानता हूं इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि इंसान को उसकी गलतियों की माफी ना मिले। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अनस, गलतियों की माफी मिल जाती है, लेकिन बेवफाई की नहीं। मैंने तुमसे बेवफाई नहीं की मुस्कान, तुम ये सब कहकर ना इंसल्ट कर रही हो सिर्फ मेरी नहीं अपनी मोहब्बत की भी। अनस, ये सब कुछ क्या है? तुमने इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? तुम तो कह रहे थे कि तुम रियान का जिक्र भी नहीं करोगे, और यहाँ तो रियान खुद मौजूद है। मैंने नहीं बुलाया इसे, ये खुद ही आया। क्यों आया तू यहाँ पे? तुम भी रियान के साथ रह रहे कि रियान की तरह झूठ बोलने लगे, है ना? तुम्हें सारी बुराइयां मुझ में नजर आती हैं बस। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, समझे? ठीक है, तो साफ साफ कह दो कि अब मेरी जरूरत नहीं रही तुम्हें। मैं तुमसे मोहब्बत जरूरत के तहत की थी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इससे ज्यादा इंसल्ट नहीं कर सकते तुम मेरी मोहब्बत की। मुस्कान, यार इंसल्ट तुम कर रही हो हमारी मोहब्बत की, मुझ पे तोहमत लगा के बेवफाई की, शुरुआत तुमने की है। क्या हो गया है यार, मैं थक गया हूं तुम्हें समझा समझा कर। तो छोड़ दो ना मेरा पीछा, क्यों बार-बार मेरे पीछे आ जाते हो? मैं भी तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत से थक चुकी हूं, समझे? मुस्कान, मुस्कान, अरे मुस्कान, तुम ये नहीं कर सकती मेरे साथ। अरे आप इतनी टेंशन में क्यों आ रही हैं? ये तो इनके रोज का है, आप प्लीज बैठे ना, बैठ जाएं प्लीज। क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? ये दोनों, चले मैं आपको इन दोनों की स्टोरी सुनाता हूँ शुरू से, और अब मेरे बाद सिर्फ आप इस बात को जानती हैं। मुस्कान मेरी बात तो सुनो यार। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुननी है? तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम चाहो ना चाहो तुम सुनोगी मेरी बात। बस बहुत हो गया मुस्कान, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बर्दाश्त तुम कर रहे हो या मैं? मुस्कान मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैंने तुम्हारे साथ कभी बेवफाई नहीं की। मुस्कान मैं आया था तुम्हारे बुलाने पर आया था यार, तुम्हारी वजह से दादाजी को हॉस्पिटल छोड़ के आया था मैं, तुम चली गई थी तब तक मैं क्या करता। तुम पर या तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करना रियान, एक बार तुम पे भरोसा करके अपना बहुत कुछ खो चुकी हूँ मैं, मजीद कुछ नहीं खो सकती, समझी? मुस्कान अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ रियान। मुस्कान तुम अब्बा जी, आप अपना ख्याल रखें ना, दवाएं टाइम पे लिया करें, बिला वजह की आपने इतनी टेंशन सर पे सवार कर ली है। लगता है अब ये परेशानियां मेरे साथ कब्र तक जाएंगी। मैं सोच रहा था कि मुस्कान की शादी हो जाती तो मैं सुकून से मर जाता, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुस्कान शादी के लिए नहीं मान रही। अब्बा जी एक बात कहूं आपसे? कहो। वो मैं ये कह रही थी कि अगर मुस्कान रियान से शादी नहीं करना चाह रही है तो कोई बात नहीं, हम उसकी शादी शाहजेब से कर देते हैं। मर्दों को वैसे भी चार शादियों की इजाजत है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस खानदान को शाहजेब से ज्यादा तो कोई और जानता ही नहीं है, फिर आपके सर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उतर जाएगी
और मुस्कान आपकी आंखों के सामने भी रहेगी। क्या शाहजेब इस शादी के लिए राजी हो जाएगा? अरे अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शाहजेब ने भला पहले कभी आपकी नाफरमानी की है जो आप करेगा? आप अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करती हूँ शाहजेब से। ठीक है, तुम शाहजेब से बात करो। ठीक है अब्बा जी। मुस्कान, तुमने क्या किया? तुम्हें इस तरह रियान भाई से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम अपने भाई की हिमायत नहीं करोगी तो और किसकी करोगी? बात हिमायत की नहीं है, तुम्हें मेरे भाई की सच्चाई कभी नजर ही नहीं आती। क्या नजर आने के बावजूद तुम न जाने क्यों उसे देख ही नहीं सकती? तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो लिशबा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी कजन कम और दोस्त ज्यादा समझा है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारा मुझसे सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो ये कि तुम रियान की बहन हो। तुम फिर से गलत बात कह रही हो मुस्कान। अगर तुम रियान भाई से शादी नहीं करोगी तो बहुत पछताओगे, और ये बात मैं तुम्हें रियान भाई की बहन की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त की हैसियत से तुम्हें कह रही हूँ। भाभी, क्या कर रही हैं आप? ऐसी हालत में आपको तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना। जाने से चक्कर आ गया मुझे। अच्छा आए बैठे, इतना काम करेंगे तो चक्कर ही आएंगे ना। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती आप अपना, आप आराम से बैठिएगा और मैं आपके लिए ना जूस लेकर आती हूँ। मुस्कान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आप जूस पियेंगी तभी कमरे से बाहर निकलेंगी। ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? मैं दो मिनट में आती हूँ। मुस्कान, मैं ठीक हूँ। चिपकली! बहुत मुंडी चिपकली आ गई, बहुत मुंडी चिपकली है मेरे कमरे में। कहाँ है चिपकली? क्या हो रहा है? भाई जी, मेरे कमरे में बहुत बड़ी चिपकली आ गई है। तो क्या हो गया? चिपकली ही थी ना, तुम्हें खा तो ना जाती। और तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि अपनी पचकाना हरकतें छोड़ दो। तुम अच्छी खासी उम्र की होगी, वो जाओ। भाई जी, लेकिन पर तो छिपके लिए। तुमसे कितनी बार कहा है अपने सर पर दुपट्टा रखा करो, दुपट्टा पहनो। क्यों खड़े हुए हो? जाओ यहां से। ये लीजिए जूस। मुस्कान, तुम बिला वजह मेरे लिए परेशान हो रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं।
इससे परेशानी की कौन सी बात है? मुझे आपके काम करना, आपके लिए जूस बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं देखती हूँ आप अपने सारे काम खुद करती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती हैं। आप वाकई में ना बहुत अच्छी बहू हैं, मैंने आप जैसी मासूम बहू आज तक नहीं देखी। और शाजी भाई कितने लकी हैं ना कि उन्हें आप जैसी इतनी अच्छी बीवी मिली है। तुम भी तो बहुत अच्छी हो मुस्कान, बगैर कहे सबकी परेशानी जान लेती है। जब भी मेरा दिल घबराता है मेरे पास आ जाती हो, मुझसे बातें करती हो। जब बताएं और कुछ लाऊं आपके लिए, कुछ खाएंगी? नहीं, बस ये जूस बहुत है। वैसे बात तुम अच्छे लग रहे हो आज, मेरा मतलब कि तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। मैं जानती हूँ कि तुम भाईजी से मेरी कभी शिकायत नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम कभी मेरा बुरा नहीं चाहोगे। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना बैठ कर हमारे साथ नाश्ता करो ना, सबने नाश्ता कर लिया, बस तुम ही रह गई, आ जाओ। हाँ बस रात को नींद ही नहीं आ रही थी। किसी ने ठीक ही कहा है, मोहब्बत में इंसान की नींदें उड़ जाती हैं। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही। साहिबा मुझे तुमसे कोई फजूल बात नहीं करनी, करिश्मा जरा मुझे जूस पकड़ाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज आप सुबह ही सुबह? हाँ बस थोड़ा अजीब सा हो रहा था इसीलिए आ गया। बस भाई अब आप आ गए हैं तो हम सब साथ नाश्ता करेंगे, इतने दिन हो गए हम लोगों ने नाश्ता ही नहीं किया साथ। बैठे ना, भूख भी लग रही है यार। क्या लेंगे? नहीं ले लेता। मुस्कान तुम कहाँ जा रही हो, नाश्ता तो करो। भूख नहीं है मुझे। आप ब्रेड लेंगे? भाई आप तो कुछ खाए। मुझे भी भूख नहीं है, मैंने शायद गलती कर दी। तुम लोग खाओ। भाई इन दोनों को क्या हुआ है? पता नहीं। शायद भूख नहीं लग रही हो। तो फूफो जी वो फिर आपने बात की दादा से मेरे और मुस्कान के निकाह की? हाँ बात तो की थी मैंने। अच्छा तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो बिल्कुल इनकार कर दिया शाहजेब। क्यों इनकार किया? आखिर क्या मसला क्या है? शाहजेब तुम अच्छी तरीके से जानते हो अब्बा जी के मिजाज को, उनसे क्यों पूछने का हक तो हम में से किसी के पास भी नहीं है ना। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और जो चाहते हैं वो ही फैसला करते। देखिए फूफो जी प्लीज आप ये बात ना करें। मैं अच्छी तरह जानता हूं अगर इस हवेली में कोई दादाजी को कायल कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। प्लीज आप किसी तरह उन्हें मनाइए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अब्बा जी से दोबारा बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन देखो शाहजेब इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं कोशिश करूंगी शाहजेब कि अब्बा जी तुम्हारी और मुस्कान की शादी के लिए राजी हो जाएं।
क्या सुन रही? क्या कर रही हो यहाँ? आपके कपड़े इस्त्री कर दिए। हाँ तो आ रहा हूँ मैं, देख नहीं रही? कोई जरूरी बात कर रहा हूँ, जाओ। मैं कोशिश करूंगी शाहजेब कि अब्बा जी तुम्हारी और मुस्कान की शादी के लिए राजी हो जाएं। जी ठीक, मैं करता हूं आपसे बात। सुने, वो आप फूफो से क्या बात कर रहे थे? मैं फूफो से जो भी बात करूं तुम्हें इससे मतलब? आप मुस्कान से शादी की बात कर रहे थे? हाँ, मैं मुस्कान से शादी कर रहा हूं। अब तो तुम्हें आसान लफ्जों में समझा दिया, या इससे भी ज्यादा आसान लफ्जों में समझाऊं? हम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं जो चाहे कर सकता हूं। आ जाते हो, मैं भी तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत से थक चुकी हूँ, समझे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो अनस, गलतियों की माफी मिल जाती है, लेकिन बेवफाई की नहीं। वादा जो तेरे प्यार का पूरा न कभी हो सका, जान लोगे बंदगी तो होगे न फिर जुदा। दिया जो तेरा साथ वा, थमा जो तेरा हाथ, कैसे जुदा धन से मुस्कान जीवन मेरा। दिया जो तेरा साथ वो, थमा जो तेरा हाथ वो, कैसे जुदा धन से हुआ जीवन मेरा। ठीक है मुस्कान, सारी गलती मेरी है, मैं ही कसूरवार हूँ, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अब मैं खुद को ऐसी सजा दूंगा जिसकी अजियत तुम महसूस करोगी। बाय। भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने फिर से काम करना शुरू कर दिया। लाइन दे, मैं कर देती हूँ। मैं गलत थी मुस्कान,
जो तुम्हें पहचान नहीं सकी। मैंने तुम जैसी चालाक लड़की नहीं देखी जो सामने बैठकर लोगों के दिलों पर वार करे। ऐसे क्या देख रही है, किस सोच में पड़ गई? आप जाए आराम करें, मैं कर लूंगी। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं, मैं अपने काम खुद कर सकती। भाभी, भाभी को क्या हुआ? ये मंगनी नहीं कर सकती। इस प्यार की कदर न जानी और अब्बा जाने खैर मंगना। तुम क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? कोई और दुख कोई और गम देना बाकी रह गया था जो तुम्हें मेरी तलाश थी? इस प्यार की कदर खबरदार जो तुमने मोहब्बत का नाम भी लिया तो तुम मोहब्बत का हर हक खो चुके हो। उसी दिन उसी लम्हे जब तुमने मुझे छोड़ा था, तुमने मुझे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। जिससे चाहेंगे जिससे कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर श्रियान से नहीं। मुझे तुम पर या तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करना रहा। एक बार तुम पर भरोसा करके अपना बहुत कुछ खो चुकी हूं मैं। मसीद कुछ नहीं खो सकती। क्या बात है, खड़ी क्यों? बैठ जाओ ना। ऐसे क्या देख रही हो? वो फूफो शाजीब क्या वाकई मुस्कान से शादी कर रहे? हाँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाजीब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वैसे भी मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत है। सही कह रही हैं आप, मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत है अगर वो चारों बीवियों के साथ अदलो इंसाफ कर सके। बात सुनो, ये जो मशवरे हैं ना ये अपने तक रखो। शाजिब मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। तो मुझे क्या बता रही हो, जाओ जाके अपने मियाँ से पूछो। मैं हमसे क्या पूछूं? वो तुमसे बात करना पसंद नहीं करते। रूपा, आप शाजिब से बात करें ना। तबस्सुम, शाजिब कुछ गलत नहीं कर रहा है जो मैं उसको समझाऊं। और वैसे भी तुम्हें इस घर में कमी है क्या? जैसे तुम अभी रह रही हो वैसे मुस्कान और शाजीब की शादी के बाद भी रहोगी। अब जाओ यहां से, दिमाग ना खाओ मेरा। जाओ भाई। अगर मुस्कान वाकई रियान को पसंद करती है तो शाजीब से शादी कैसे कर सकती है? मुस्कान ने मुझसे झूठ कहा था क्या? लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, शाजीब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत है क्या?
वाकई मुस्कान से शादी कर रहे हैं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे मामलात से दूर रहा करो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। किससे लेना देना नहीं? मैं आपकी बीवी हूं और आप मेरे होने वाले बच्चे के बाद। बस इससे आगे एक और लफ्ज नहीं, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। क्या हुआ पुत्रों? शाहजेब, बड़ी ही मुश्किलों से मनाया है मैंने अब्बा जी को। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि अब्बा जी को किसी भी बात पर कायल करना कितना मुश्किल काम है। पप्पू, यानी दादाजी मेरी और मुस्कान की शादी के लिए राजी हो गए? यही समझ लो। अब देखो ना शाहजेब, तुम्हारी खुशी और ख्वाहिश से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। भाई, बहुत मुश्किलों से मनाया है मैंने अब्बा जी को, अब तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि अब्बा जी के सामने कितने हाथ पांव जोड़ने पड़े हैं तुम्हारे इस रिश्ते के लिए? जी, आप एक अजीम औरत हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती, और दादाजी को अगर कोई मना सकता था तो वो सिर्फ आप थी। मैंने हमेशा आपको अपनी मां की तरह समझा। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी शाहजेब, जो तुमने मुझसे कही थी। क्या? देखो, मुस्कान को काबू करना इतना आसान नहीं है, वो तबस्सुम नहीं है। पप्पू जी, इसकी फिक्र क्यों करते हैं आप? बस एक बार मुस्कान को मेरी बीवी बनने दीजिए, फिर देखिएगा, तबस्सुम और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जिस तरह तबस्सुम आपके आगे पीछे घूमती है, इस तरह मुस्कान भी फिरेगी। बस यही तो वो बातें जो मुझे खुश करती हैं, इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि अब मुस्कान की शादी रियान से नहीं बल्कि तुमसे हो। खुश रहो। हेलो आनंद। हेलो मुस्कान, रियान किधर है? क्या मतलब वो कहाँ है? मुझे क्या पता कि वो कहाँ है? मुस्कान, रियान सुबह घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकला था लेकिन यूनिवर्सिटी पहुंचा नहीं है। मैं भी घर आया हूँ तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया होगा? मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि वो कहाँ है? रियान को फोन करो ना, उससे पूछो कि वो किधर है। कब से कॉल्स कर रहा हूँ उससे, मुसलसल उसका नंबर बन जा रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है मुस्कान, उसने इससे पहले कभी किया नहीं, तो नंबर ऑफ नहीं किया उसने, यहाँ भी नहीं है, हवेली भी नहीं गया होगा तो कहाँ गया होगा? क्या वाकई में वो वहाँ नहीं है? अरे कब से वही तो समझा रहा हूँ तुम्हें। तो फिर कहाँ गया? अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती। मुस्कान काफी देर हो गई, भाई पता नहीं कहाँ है, उनको मैंने इतनी कॉल्स भी की, पहले तो उन्होंने उठाई नहीं और फिर नंबर ही ऑफ हो गया। तुम्हें कुछ पता है कहाँ है वो? हाय बाप, जब तुम भाई को फोन कर रही होगी तब भाई का फोन बंद होगा। मुस्कान तुम भाई को फोन करो, आप क्या पता खो लिया भाई ने अपना फोन। हाँ मैं देखती हूँ। सॉरी,
क्या हुआ? अभी भी नंबर बंद है। ऐसे भाई कभी भी बगैर बताए कहीं नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। मुझे तो अब फिक्र हो रही है भाई की। वो तुमसे नाराज थे मुस्कान, लेकिन कम से कम उन्हें हमें तो बता देना चाहिए था कि वो कहाँ जा रहे हैं। सच कहूँ तो तुम्हारे भाई को ना अपने अलावा किसी और की कोई फिक्र नहीं है। देख लिया तुम दोनों ने, मुस्कान रियान भाई ऐसे नहीं है। हेलो, कौन? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ मुस्कान? इसे क्या हुआ? पप्पू, पप्पू, दादाजी, दादाजी कहाँ हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ दादाजी कहाँ हैं? पागल हो गई हो तुम क्या? अगर गिर जाते कुछ हो जाता तुम्हें? मैं आपसे पूछ रही हूँ दादाजी कहाँ हैं? पता नहीं यहीं होंगे दादाजी। अच्छा, वो किसी का फोन आया था कि रियान का एक्सीडेंट हो गया है, हमें फोन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं पप्पू को लेकर आती हूँ, आप गाड़ी निकालें। मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? गाड़ी निकालें। मैं पप्पू, पप्पू, क्या हुआ? कुछ पता चला? किसका फोन आया था? कैसे हुआ रियान का एक्सीडेंट? नहीं, ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई, बस कहा कि फौरन से हॉस्पिटल आ जाए। कितनी दफा मैंने इस लड़के को समझाया कि गाड़ी आहिस्ते चलाओ, लेकिन नहीं, हर वक्त तेजी में रहता है ये। भाई जी, गाड़ी जरा तेज चला ले। तेजी तो चला रहा हूँ, अब क्या चाहती हो कि इसका भी एक्सीडेंट हो जाए? शाज़िया बिल्कुल ठीक कह रहा है, जा रहे हैं ना मुस्कान हॉस्पिटल, पता लग जाएगा। किसका फोन आ रहा है? दादाजी का। फोन नहीं उठाना, बिला वजह रियान के एक्सीडेंट का पता चलेगा उनको तो परेशान हो जाएंगे। अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, फिर खुद ही बता देंगे अब्बा जी को। भाई कुछ तो बताया होगा इन लोगों ने, कहां गए हैं? कुछ पता नहीं चल रहा इनका। पता नहीं दादाजी, मुझे तो खुद बहुत टेंशन हो रही है। बस मुस्कान को किसी का फोन आया अचानक से, मैंने और अलिश्का ने उससे इतना पूछा कि किसका फोन है, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। और उसकी थोड़ी देर बाद ही भाई जी, फुप्पू और मुस्कान तीनों कहीं चले गए। शाज़ेब को भी 3-4 बार मैं फोन कर चुका हूँ, वो भी मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा। ऐसी कौन सी जगह चले गए जहाँ से फोन पे बात नहीं हो सकती? तुम रियान को बुलाओ। कहाँ हो? मैंने कहा रियान को बुला लाओ। दादाजी वो घर पर नहीं है काफी देर से, और उनका भी फोन बंद है। माशाल्लाह, कहाँ चले गए ये लोग जो फोन भी नहीं कर सकते? अब तो परेशानी के साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा है। Excuse me, आपको पता है रिसेप्शन किस तरफ? उस तरफ। Excuse me? जी। आपके हॉस्पिटल से फोन आया था, यहाँ कोई एक्सीडेंट का केस आया है? जी हाँ, अभी अभी जो केस आया था उनकी तो डेथ हो गई है मैडम। असल में पेशेंट की हालत काफी खराब थी, डॉक्टर ने काफी कोशिश की उनकी जान बचाने की, सॉरी डेथ हो गई है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पप्पू, क्या कह रहे हैं आप? कहाँ है मेरा भाई? देखिए मैं ऑलरेडी मैडम को बता चुका हूँ, अभी जो पेशेंट आए थे उनकी डेथ हो गई, खून काफी बहने की वजह से उनकी जान नहीं बचा सकी थी। पप्पू वो झूठ बोल रहे हैं, रियान मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, रियान मुझे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है? पप्पू कुछ नहीं हुआ, तुम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे इस तरह छोड़ कर नहीं जाते है ना? कुछ नहीं हुआ, तुम अपने आप को संभालो। ये देखें, ये उनकी डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं।
सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अब मैं खुद को ऐसी सजा दूंगा जिसकी अजियत तुम महसूस करोगे। बाय।